सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, MH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम एक ऐसे राजनेता से जो काफी चर्चा में भी रहते हैं और काफी विवादों में भी रहते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजकुमार सैनी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, क्या ये संबोधन अब आपको पसंद नहीं है? देखिए, जब तक किसी भी चीज से कोई किनारा नहीं करता तब तक किसी को कोई इतराज नहीं होता। तो फिर कब तक ये संबोधन ठीक लगेगा आपको? बस ज्यादा 2 महीने। कुरुक्षेत्र को महाभारत के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वहां पर बगावत हो रही है और आप वो बगावत कर रहे हैं, वजह क्या है? मैंने बगावत नहीं की, मैंने देश में जो 70 साल की आजादी है उस आजादी में जो पिछली सरकारों के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से जो दलित और पिछड़ा वर्ग है उसके साथ जो अनदेखी हुई, भाषण तो हुए लेकिन गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, किसान बचाओ के भाषण मैंने बहुत सुने। आज 5वीं पीढ़ी में राहुल गांधी वही भाषण दे रहा है और जो कमजोर तबका था उसके हितों का हनन पिछली सरकारों में जो हुआ हुआ, लेकिन मौजूदा सरकार में जो बीज भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को झूठे कागज तैयार करके आरक्षण दिलवाया उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और उसके बाद इतनी बड़ी पार्टी प्रचंड बहुमत के होते हुए 500-400 लोगों के दबाव में आकर के उनको आरक्षण देने के वायदे करने लगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा ऐसे नहीं किया जा सकता। लेकिन व्यवस्था इतनी कमजोर दिखाई दी कि एक अस्तित्व में एस्टेब्लिश लोग इतनी बड़ी सरकार को भी ड्रा करके अपने मंसूबे हासिल करने में सफल रहते हैं और सरकार को दबाव देते हैं, सरकार लीपापोती करती है, 4-5 महीने के अंदर सारा हरियाणा जल जाता है, जलाने वालों को नौकरियां दी जाती हैं, मुआवजे दिए जाते हैं और उनके दबाव में आकर के 5 मिनट में बिना बहस से आरक्षण दिया जाता है, जिसको स्टे कराने के लिए फिर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा और हमने सरकार को नोटिस दिलवाया कि ये बताए सरकार के किस जाति की कितनी जनसंख्या है और उसके पास सरकारी पद कितने हैं। इस पर ये खुलासा जो हुआ ये चौंकाने वाला खुलासा है और इस चौंकाने वाले खुलासे से जो 2,75,000 के इर्द गिर्द हमारे पास नौकरियां हैं उसमें लगभग 1,35,000 के इर्द गिर्द नौकरी, 1,35,000 की के पद एक ही 5 मुख्यमंत्री अपने लोगों को भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद करके बाकी के लोगों को हाशिए पे खड़ा कर देते हैं और 90% लोगों के पास लगभग 50 से भी कम नौकरी बचती है और उसमें 52% जो बैकवर्ड क्लास है उसकी जनसंख्या 52% लिखी गई थी उसको पदों की, जो काका कलेलकर रिपोर्ट थी, मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, लेकिन उन्हें मिला ही 10%। एक टीम तो ले जाए 10 पैसे की जगह 50 पैसे और एक को 50 पैसे की जगह मिले 10 पैसे, एक ले जाए 5 गुना और एक को मिले 5वां हिस्सा, फर्क हो गया 25 गुने का। इस वजह से आप लोग मुझे विवादित कह करके अपना पल्ला झाड़ते हैं सारे मीडिया वाले लोग, जबकि मैंने देश की वास्तविक बयान के बाद जो राजनीति शुरू होती है, जो विवाद शुरू होता है, आरक्षण की वकालत की, 100% आरक्षण, जबकि मैंने 100% आरक्षण की बात की, उसमें मैंने कौन सी जाति को आरक्षण से महरूम करने की बात कही?
आपने ये बातें अपनी पार्टी में क्यों नहीं उठाई? आपने ये बातें अपनी पार्टी में क्यों नहीं रखी? हमारी पार्टी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सभी सभी जितने राजनीतिक दल हैं इस बैकवर्ड दल दलित शोषित समाज को इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं और इनके इनको लॉलीपॉप दिए जाते हैं चुनाव के दिनों में, उसके बाद इनकी सुनने वाला कोई ना एमपी की ना एमएलए की। तो ऐसे में आप जो जो भी चीजें होती हैं उससे बार बार आपकी पार्टी के लिए असहज हालात पैदा हो जाते हैं। हम जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी वो हमारे सांसद हैं, जब तक सांसद है तब तक हम कुछ नहीं कहते, बाद में देखा जाएगा। तो आपकी पार्टी को समस्या तो हो जाती है। देखिए, मैं किसी पार्टीबाजी दलगत राजनीति का हिस्सा नहीं हूं। मैंने ये बात कही थी कि आज देश के अंदर जो हालात बने, जहां कहीं मराठे आरक्षण मांग रहे जिनकी सरकार रही, पटेल आरक्षण मांग रहे जिनकी सरकार रही, कापू आरक्षण मांग रहे जिनकी सरकारें रही, हमारे हरियाणा में पांच पांच सरकारें जाट समाज के प्रतिनिधि दब के नीचे काम कर गई, और इतना भेदभाव होने के बावजूद फिर उनके मुख्यमंत्रियों ने सब कुछ लूट लेने के बाद फिर आरक्षण मांग रहे हैं, तो क्यों ना 100% आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में सबको कर दिया जाए। मैंने कहां विवाद की बात की है। अगर पार्टी चाहती है, आज देश के अंदर बीजेपी 100% आरक्षण की जो जो चलाकियां पीछे उठती रही हैं उनको दरकिनार कर सभी को आरक्षित कर दे, ताकि कोई बोवेला ही ना रहे, किसी के हक को दूसरा छीन ना सके। अच्छा, अब आप जो आपने ऐलान किया है कि आप अपनी पार्टी बनाएंगे, आपने साफ कर दिया आप बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसकी रूपरेखा क्या रहने वाली है, किस तरीके से ये पार्टी काम करेगी? हम जन भावनाओं के अनुरूप पिछले लगभग 6 माह से हमारी 31 मेंबरी कमेटी जो है ना सर्वेक्षण करके जनता की जो वाजिब समस्याएं हैं उनको कलेक्ट करके और जनता में प्रतिनिधित्व करने के सक्षम और योग्य लोग कौन है, दलगत राजनीति से नीति से हट ऊपर उठ करके हम प्रयास करेंगे कि लोगों को वास्तविक प्रजातंत्र की बुनियाद डाल करके इंसाफ दिलाया जाए। आज प्रजातंत्र है कहाँ? जनता जिनको चुन के भेजती है वो तो है लोकसभा, लोकसभा में जो पारित होता है राज्यसभा उसे उठा करके रद्दी कचरे पार्टी के एमपी ज्यादा आ जाते हैं, वहां सरकार तो बन जाती है, लेकिन राज्यसभा में उसकी मेजोरिटी 4 साल तक नहीं आती। उनका कार्यकाल है 6 साल और 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद चेंज होते हैं, इसलिए चुनी हुई सरकार की मेजोरिटी आने में 4 साल लग जाते हैं, तिहाई तिहाई 2 बार बदल करके। लेकिन प्रथम 4 वर्षों में पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर के जनता की चुनी सरकार को धराशायी कर देता है। मनसा पीछे ये रहती है कि ये जनता का देश का कुछ कर ना सके, ये बदनाम हो जाए हम सत्ता में तब आएंगे। देश के पैसे लेकर के देश के साथ गद्दारी करते हैं लोग, और ठीक उसी प्रकार से अपने मंसूबे हासिल करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और हमारे लोग तमाशा बन के खड़े हो जाते हैं और ऐसी स्थिति बन जाती है कि मानो लोग विपक्ष की जिम्मेवारी यही थी कि देश का काम रोकना है, राज्यसभा को ढाल बना लिया जाता है, और ठीक उसी प्रकार से इस देश के साथ गद्दारी होती है। जब तक इस देश में जो अंग्रेजों ने सदन अपने लिए बनाया था कि हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के मालिक हैं, ये हमारे गुलाम हैं, और इसी एंगल से भाई आज बस इतना फर्क पड़ गया कि इस राज्यसभा में अंग्रेज व्हाइट स्किन के लोग चले गए, ब्लैक स्किन के अंग्रेज चिपक गए, वो अपनी मनमानी करके इस देश को चला रहे हैं। जनता जिनको चुन के भेजती है वो जीरो, जो चोर दरवाजे से घुसे लोग हैं वो हीरो, इसलिए देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो सर सवाल उठते हैं आपके, चलिए ये आप जो अब अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, जो हरियाणा में स्थापित पार्टियां हैं उनके बीच में 90 ऐसे चेहरे उतारना जिनकी स्वीकार्यता हो, कैसे हो पाएगा ये? जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में कर दिया था। जी जी, तो इस तरीके से मतलब चेहरा आप रहेंगे, पीछे सारे उम्मीदवार को एक्सेप्ट करती हैं ये। बाकी तो देखिए, आप एक बात बताएंगे, आप क्या सोनिया गांधी और देश के उनके साहिबजादे इस देश की मूलभूत समस्याओं से वाजिब हैं, वाकिफ है?
आप ईमानदारी से पूछें जनता से, जनता बता देगी। आज नेहरू खानदान के नाम की रोटियां सेकने वाले एक एक हलके में दस 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 लोग चिपके हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, जिस पार्टी को 12 मौके मिल चुके हों, 55 साल तक राज किया हो, वो अब और क्या साबित जनता में करना चाहती है? जिसको 12 मौके मिल गए, देश भूखे नंगों की लाइन में खड़ा है। हमारे से बाद जो देश आजाद हुए वो कहीं के कहीं पहुंच चुके हैं ये कांग्रेस वाले लोग, और क्या साबित करना चाहते हैं? आज देश के अंदर सभी पार्टियां, कोई 10% झूठ बोलता है, कोई उससे दूसरा आता है 30% बोलता है, तीसरा आता है तो 90% झूठ बोलता है, जनता को बहका करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मुझे यह स्पष्ट कहने में कोई संकोच नहीं है मित्रों, हमारे देश की आज स्थिति एक मुर्दा लाश बन करके ये देश चल रहा है। खैरात बांट करके, झूठ बोल करके लोग वोटें ले रहे हैं, बस इसी परंपरा को काटने के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन ये जो आप पार्टी बना रहे हैं, क्या ये डेंट मारने के लिए, और देसी भाषा में कहूं ये वोट कटवा की भूमिका में होगी या कुछ निर्णायक डिसाइसिव करेगी? मैंने आपको कहा कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, केजरीवाल के पास पहले 28 सीटें आती हैं, जनता में दोनों पार्टियों के खिलाफ आक्रोश था, और जब दोबारा उसको तंग किया गया तो वो मैदान छोड़ करके भाग गया, लेकिन जनता को बहुत बुरा लगा। जनता ने फिर दोबारा 500 वोट से 3 सीटें बची, बाकी धोबी घाट पर दोनों पार्टियां धो करके सूखनी डाल दी। जी नहीं, तो जब आप नई पार्टी बनाएंगे, क्योंकि हरियाणा की राजनीति, दिल्ली की राजनीति कुछ अलग है ना सर, पार्टियों से जी, तो क्या हरियाणा में जब आप पार्टी बनाएंगे तो वोटों का बंटवारा होगा? अगर वोटों का बंटवारा होगा तो किसे फायदा होगा? हरियाणा में कोई कम तांडव हुआ क्या? हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जनता अवेयर है, जिन लोगों ने हरियाणा जला दिया क्या दोबारा उनको वोट करेगी? यही देखने के लिए हम बीच में आ रहे हैं। हम जनता की मानसिकता, मैं मानता हूं स्वार्थी होती है, लेकिन उस स्वार्थ से एक वक्त आ जाता है किनारा करने का। जनता के अंदर हालात ये बने हुए हैं कि मैंने एक दिन पत्रकारों के पूछने पर इतना सवाल बोल दिया था कि क्या आप जाटों को टिकट देंगे, मैंने कहा जो हमारी लाइक माइंडेड होंगे तो सोचेंगे, लेकिन इतनी बात कहने के ऊपर भी पूरे प्रदेश के अंदर भूचाल आ गया था कि आप जिन लोगों ने हमें अभी तक इस्तेमाल किया और प्रताड़ित किया, आप कैसे बोल रहे हैं उनके पक्ष में? मैंने कहा भाई मैं जन भावनाओं के अनुरूप काम करता हूं, मैं किसी राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम नहीं करता। लेकिन आपने पहले एक दो बार अभी कहा कि मैं सीएम बना तो सब खुश हो जाएंगे, जाट भी खुश हो जाएंगे, या जो दूसरी बात आपने कही, ये सीएम बनने की खुली महत्वाकांक्षा आप जाहिर कर चुके हैं। मैंने कभी सीएम बनने की आज तक एक भी बाइट आप दिखा देना, अगर मैं हमेशा त्याग किया, भेदभाव के खिलाफ बंसीलाल से लड़े, उसको हटा करके ओम प्रकाश चौटाला हमने बनाया, जब वहां भेदभाव देखा तो उससे किनारा किया, जैसे ही हमने किनारा किया उसके तो कारण कुछ और बताए जाते हैं, उसने हमें अंदर करने के पूरे प्रयास किए। हाँ जी, उसके तो कारण कुछ और बताए जाते हैं, उसने हमारे को अंदर करने के प्रयास किए। क्या कारण कुछ और बताए जाते हैं आपके उस वक्त उन मुख्यमंत्रियों को छोड़ने के? आप बताओ क्या कारण थे? नहीं, ये भेदभाव वाले स्वर तो पहले कभी इतने मुखर हुए नहीं। मैंने तो भेदभाव के ही समय से, आज भी 8 महीने हुए थे सिर्फ मेरे को एमपी बने हुए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पश्चात भी अगर इतनी पार्टी धराशायी उन लोगों के झूठे कमिटमेंट करने लगी तो तभी मैंने कहा था कि हम इसका विरोध करते हैं, हम दादागिरी के आगे धरने वो धराशायी नहीं होंगे और ना ही किसी प्रकार का हमें राजनीतिक लालच, पार्टी जो चाहे एक्शन ले। एक बात और कही जा रही है कि आप हरियाणा में समर्थन ढूंढ रहे हैं, किसी पार्टी का कंधा ढूंढ रहे हैं, आप बीच में यह भी कह चुके हैं कि इनेलो बसपा गठबंधन को भी समर्थन दे देंगे, हालांकि आपने उसके ऊपर और बातें भी कही हैं, तो जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं किसी भ्रम में नहीं आते हैं वो? आपने वो बाइट पूरी सुनी नहीं, मैंने ये बात कही थी
कि अगर अभय चौटाला ने एक बात कही थी कि मैं बहन और भाई का यह पवित्र गठबंधन करता हूं और हम इसे निभाएंगे। इसका मतलब अब जो गठबंधन हुआ यह पवित्र गठबंधन है, जो पहले गठबंधन थे जब काशीराम को अगले ही दिन रिश्ता तोड़ दिया था। दो बार इनको इस्तेमाल दलित समाज को कर चुके हैं जो लोग। अगर आज इस बात का कोई भरोसा करे कि दलित समाज सारा का सारा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मैं ये बात कह सकता हूं कि कुछ राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग अपनी महत्वाकांक्षा के मद्देनजर ये गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा था कि अगर वाकई ये गठबंधन पवित्रता पर आधारित है तो दलित समाज की घोषणा करें 45 सीटों की और 5 लोकसभा सीटों की। हम बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार हैं। दलित समाज को अगर आप पवित्र गठबंधन कर रहे हैं, दो बार उनका साथ लिया, अब एक बार उनको साथ देने का आप घोषणा करें, हम आपकी बात करते हैं। तब ये छल और कपट राजनीति का हिस्सा बने हुए इस देश के अंदर प्रजातंत्र कहने की चीज बन गई है, कहने का नाम मात्र रह गया, प्रजातंत्र कहीं दिखाई नहीं देता। मोतीलाल, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी। अच्छा, हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? फिर हरियाणा को किसी की, कांग्रेस को किसी की स्थिति की, दूसरे की विरोध की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अंदर तेरा अपना विरोध है। ये तो एक चापलूस और लुटेरे लोगों का बड़ा जमावड़ा बन के रह गई है। यहां पर कोई नीति विधान तो है नहीं। आप बताएंगे क्या सोनिया गांधी और उसके साथ ज्यादा इस देश की समस्याओं से परिचित हैं? बस नेहरू परिवार के नाम की रोटियां सेकने वालों की एक बड़ी लाइन है। नहीं, रथ यात्रा भी निकल रही है, जन क्रांति यात्रा भी निकल रही है हरियाणा के अंदर। एक दूसरे को मारने के लिए मैयत यात्राएं साबित होंगी। आपके सामने जनता जो है ना समझ चुकी है इनका ड्रामा, और ये नौटंकी कर रहे हैं, कोई रथ यात्रा के माध्यम से, कोई साइकिल यात्रा के माध्यम से। एक पोस्टर लगाने के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं, हुड्डा दलित समाज के ऊपर वो करता है, सम्मेलन करता है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा दलित समाज का। और हर रोजाना चाहे मिर्चपुर कांड, दुलीना कांड, रामायण कांड, सौड़ा कांड, बघाणा कांड, ये सब कांड किसकी देन है? भाई 10 साल मुख्यमंत्री रहे ना वो सूबे के। हाँ, 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रदेश का बंटा धार कर दिया कमजोर लोगों के हितों को साधने के लिए, अपने लोगों को देने के लिए। जिस प्रकार की व्यवस्था ने पिछले 45 साल में जन्म लिया, इससे बाकी के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को लूटा हुआ और अपेक्षित समझ रहे हैं। एक सवाल ये कि जो नेता होता है या जनप्रतिनिधि होता है वो समाज का होता है, वो सबका होता है, या फिर सब उसके हो जाते हैं? एक जाति, एक कौम या एक समाज को लेकर, आपको लेकर जो बातें की जाती हैं, इसके पीछे क्या कोई एजेंडा है? एक जो 70-30 का रेशियो बताया जाता है, क्या उसको लेकर आप एक दूर की राजनीति सोचते हैं? देखिए, मैंने 4 बातें कही वरुण जी, आपके नोटिस में मैं डाल देता हूं। पहली बात मैंने कही, 100% आरक्षण करेंगे ताकि किसी के साथ कोई छल कपट ना हो। एक परिवार एक रोजगार की बात कही, उसमें सभी आते हैं। मैंने किसान की बात कही कि मनरेगा 100 दिन की बजाय 300 दिन चलाएंगे, सभी मनरेगा के मजदूर और छोटे किसान, जिनकी आधी लेबर सरकार देगी, आधी लेबर देगा जो काम कराएगा। मजदूर को 2 गुनी दिहाड़ी मिल जाएगी और किसान को आधे रेट में मजदूर मिल जाएंगे, और हम दो हमारे दो। ये 4 बातें मैंने कही। हमसे बेहतर जाट समाज के लोग जानते हैं कि अगर उनकी जनसंख्या ज्यादा है, मैंने जनसंख्या के अनुपात में 100% आरक्षण की बात की। मैंने कहां इसमें जाट का विरोध किया? मैंने एक परिवार एक रोजगार की बात की, मैंने कहां इसमें जाट का विरोध किया? किसान सबसे ज्यादा जाट समाज के मुख्यमंत्री और नेता लोग सबसे ज्यादा अपने आप को किसान साबित करते हैं। मैंने किसान की बात को लेकर के सबसे अहम भूमिका निभा रहा हूं कि ये मनरेगा के पैसे यूं ही लुटाए ना जाए, इनसे काम लिया जाए, इन मजदूरों से देश का निर्माण किया जाए। इसमें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला तो जाट समाज का, और हम दो हमारे दो की
सबसे ज्यादा अगर कोई कुवायद समझता है जमीन ना बटे तो वो जाट समाज समझता है। मैंने चारों बातें तो जाट समाज के लिए बोली, लेकिन लोग हमारे मुख्यमंत्रियों ने 45 साल में जो भेदभाव किया उसका खुलासा ना हो इस बात को लेकर के लोग मुझे बदनाम करने का प्रयास करते हैं। राजकुमार सैनी गलत बोलता है, मैंने मां की बहन की बेटी की सब गालियां लोगों के लिए खाई, लेकिन एक भी गाली एक भी अपशब्द अगर कोई मेरा किसी जाति के या किसी व्यक्ति के खिलाफ साबित करे तो मैं साथियों राजनीतिक संन्यास लेने के लिए तैयार हूं और जो भी हरजन्ना कोई लगाना चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह है कि हर छोटे व्यक्ति को दबाने का प्रयास बड़ी ताकतें करती रहती हैं, जो कि हम इस दिन से निर्भीक होकर के लोगों की आवाज बुलंद करते हैं और इस बात का कतन तौर पर भी कभी यह महसूस नहीं किया। जिस प्रकार बड़े बड़े लोग इतनी 10-10 हजार लोगों की सभा में गले काटने की धमकियां देते हैं, मोखरा में, दुल्लीना में, आपके दुबलधन में, आपके मदीना के अंदर, बावल के अंदर, सिरदा के अंदर, जो लोग मुझे जाने से रोकने का प्रयास करते हैं, आखिर उनको क्या डर है? मैं वहां कोई गोलियां बरसाने छोड़ा जा रहा हूं, मैं ये खुलासा करने के जा रहा हूं कि ये जो बेईमानी हुई, जो 5 मुख्यमंत्रियों ने हमारे साथ ठगी की, कि उसका खुलासा ना हो और इनके इनके नेताओं का जो भेदभाव और इनका चिरहरण ना कोई कर सके। चर्चा हम कर रहे हैं कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी से, जिनके बयानों को लेकर कई तरह की बातें होती हैं, हालांकि उन पर वो अपने स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। राजकुमार सैनी साहब, आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि आपने हमेशा जाटों के हित की बात की है, लेकिन फिर ये छवि बनी कैसे ध्रुवीकरण वाली, समाज को बांटने वाले नेता के तौर पर ये छवि आपकी कैसे बन गई? देखिए, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो ताकतवर टीम होती है वो कमजोर तबके के लोगों को हमेशा दबाने का प्रयास करती है, और राजा या रानी को कोई नहीं कहेगा कि भी आपकी ये हरकत गलत है। कमजोर व्यक्ति बीच में से निकल करके अगर किसी न्याय और इंसाफ की बात या छोटा मुंह बड़ी बात कह दे तो वो सबको पीड़ा दिखाई देती है। बस सिर्फ इतनी ही बात है कि जो लोग यूपी से आकर के हरियाणा का माहौल का सर्वनाश कर गए, 200-200 करोड़ रुपए के चंदे खा गए, उन लोगों ने भरपूर प्रयास किया हरियाणा के अंदर अपनी बात को मनवाने का। लेकिन हमने अडिग एक बात कही कि अगर दादागिरी के नीचे सरेंडर होकर के सरकार पर देश का सर्वनाश कराए और कमजोर तबके के हितों के साथ खिलवाड़ करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यवस्था ठीक करना सरकार का धर्म होता है, छोटे बड़े को सबको एक समान समझना सरकार का धर्म होता है। संविधान में लिखा हुआ है किसी को भी धर्म, जाति, जन्म स्थान या लिंग भेद के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो जो जो लोग अंग्रेजों के साथ ज्यादा लड़े, ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा लड़ा, कहां गई ब्राह्मण रेजिमेंट, कहां गई वाल्मीकि रेजिमेंट, कहां गई सैनिक गुजर अहिर रेजिमेंट, कहां गई हमारी जुडिशरी की हिस्सेदारी, कहां गया हमारा प्रशासनिक राजनीति में हमारी हिस्सेदारी। हम सब लोग सिर्फ दरी बिछाने और कुर्सियां लगाने और लोगों की सेवा करने के लिए अपनी ताजिंदगी लगाते रहते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ संवेदनाएं, हमारी भी कुछ भावनाएं होती हैं। जो लोग हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को 2019 में जनता अपने आप अवकाश दिखा देगी। आप बार बार अपने आप को कमजोर बताकर क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्या सर? मैं कमजोर नहीं हूं, जनता कमजोर है। अगर मैं कमजोर होता तो मैं उनकी आवाज नहीं उठा सकता था। जो हमारे लोग हैं उन लोगों के हितों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, मैंने वही पेपर आपको दिखाया कि 10% लोग
50% पे काबिज हो गए, और जो 50-52% हैं जिनको मंडल आयोग ने कहा था और वीपी सिंह ने उसको लागू भी किया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे कर दिया 27% और मिला 27 में से अभी तक 12-13%। इस 11-12-13% में किसी महकमे में 13, किसी में 12, किसी में 14, ये परसेंटेज हालात ये कह रही है कि ये चपड़ासी और क्लर्कों में अफसर सही वो भी 5-6% है। कब तक बर्दाश्त करेगा वो तबका जिन लोगों की वोटें तो ली जाती हैं बड़े बड़े भाषण दे करके, लेकिन जब उन्हें हक की बात आती है तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत भी अपनी राजनीति बचाने का प्रयास करते हैं, तो हम दोबारा से वोट उनको क्यों करें जो लोग हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरीके से आपके कई बयान आते हैं, या फिर आप उसी दिन रैली आपकी होती है जिस दिन दूसरे लोगों की होती है, आप मानिए ना कि गैर जाटों के सर्वमान्य नेता बनने की महत्वाकांक्षा है, इसको मानने में दिक्कत क्या है? नेता बना नहीं जाता, जनता की आवाज उठाने वाले लोग, जनता उनको नेता बनाती है। यूं तो दुनिया भर के लोग अपने आप अपनी ताकत दिखा करके नेता बनने का प्रयास करते रहते हैं, जनता के लिए लड़ना पड़ता है। मैंने 3-3 बार कुर्सी जनता के लिए छोड़ी, लोग अपनी चपड़ासी की कुर्सी नहीं छोड़ सकते। आप बताइए, मैं गांव की पंचायत से निकला, सरपंच पंच, उसके बाद ब्लॉक समिति, जिला परिषद, एमएलए, मंत्री, आज एमपी हूं। इसी कुरुक्षेत्र की धरती में न्याय और अन्याय के लिए पहले महाभारत हुआ, आज भी क्या बताइए उसी बात का सारांश हो। परमात्मा इस बात को लेकर के मुझे अंबाला से कुरुक्षेत्र में एमपी बनाया, और उसके पश्चात जैसे ही यहां पर तांडव हुआ, उस तांडव की आवाज, 800 एमपी बैठे, हजारों एक्स एमपी बैठे, और उसके अलावा हमारे देश के अंदर हमारे प्रदेश में 90 MLA बैठे, एक भी तो आदमी, पूरा हरियाणा जल रहा था, पार्लियामेंट चल रही थी, एक भी आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं। सभी आदमी अपनी राजनीति बिछाने का प्रयास करते हैं, पार्टी आरक्षण देना चाहती है, अगर मैं बोल गया तो कहीं मेरी टिकट ना कट जाए, कहीं 4 वोट ना कट जाए। इस बात से मैं कभी खफा नहीं हुआ कि मैंने राजनीति के लिए वोटें देखनी है या टिकट देखनी है। मैंने हमेशा न्याय की बात की, और न्याय किसी को बुरा लगे या भला लगे, कड़वा लगे या अचमीठा लगे, लेकिन जो सच है वो ये है, देश में प्रजातंत्र कठपुतली बन गया कुछ परिवारों की, और परिवार इसमें अपनी ताकत का कार्ड खेलते हैं, कमजोर लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। नहीं, पंच, सरपंच, सांसद, अब आप उससे आगे की सोच रहे हैं? मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, जनता के सोचने से होगा। नहीं, लेकिन ये जिस तरह का हरियाणा में तनाव बना, आप एक पुराने नेता हैं, उसी दिन रैली का होना, सुरक्षा बलों को फिर से अलर्ट करना, ये चीजें टाली जा सकती थी? देखिए, जिस दिन हमने रैली का कोई परमिशन लेकर के करने के लिए कोई डेट रखी, हम 6-6 महीने पहले अपनी घोषणा करते हैं, लेकिन मौजूदा ताकतवर लोग अपनी ताकत का एहसास, शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए सेम डे रैली रखते हैं, और हमारे सरकार के ऊपर दबाव आया जाता है कि यह रैली कैंसिल हो, किसी तरीके से भी तनाव बढ़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया कि भाई रैली सरकार कैंसिल करे या ना करे, हम जो रैली की डेट दे रखी है, अगर हम टेररिस्ट हैं, हमारे ऊपर कोई ब्लेम है कि मैंने कोई आगजनी की, मैंने कोई गोलियां कहीं चलाई, मैं देश का एक अपराधी व्यक्ति हूं कि माहौल खराब करूंगा, इससे सच सुनने की ताकत रहनी चाहिए। जो आज देश के अंदर सच सुनने की जिनमें ताकत नहीं रही, वो लोग ओछी हरकतें करके हमारी रैली को अवरुद्ध करने का प्रयास करते हैं, और इसी बात को लेकर के जनता उनसे आक्रोशित है। एक आरोप जो लगता है, उस आरोप की बात कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि मैच फिक्स है, आप पार्टी लाइन से अलग बोलते हैं, अलग पार्टी बनाने की बात करते हैं, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आलोचक कहते हैं ये हिडन एजेंडा है। देखिए, सोचने वाला तो कुछ भी कहेगा, विरोधी क्या मेरे ऊपर और क्या आरोप लगाएगा, और तो मैंने कोई गलत बात कही नहीं। आरोपी तो जनता को भ्रमित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं।
लोगों में दो बार मौके इनेलो परिवार के लोगों को मिल चुके हैं, भजनलाल परिवार को दो दो तीन तीन मौके मिल चुके हैं, बंसीलाल परिवार को दो दो तीन तीन मौके इस प्रदेश में मिल चुके हैं, हुड्डा को दो दो मौके मिल चुके हैं। और क्या करके दिखाना चाहते हैं, जिनको 10-10 साल जनता ने फेस कर लिया, जनता वहीं की वहीं खड़ी है, भूखे रंगों की लाइन में प्रदेश देश खड़ा है, ये क्या साबित करना चाहते हैं? और इनको कितने मौके दें और कितने बार जनता इन लोगों के पीछे मूर्ख बने? ये लोग दूसरे को बदनाम करके ही अपने मंसूबे हासिल करना चाहते हैं, जो अब जनता नहीं होने देगी। जब चुनाव होंगे, क्योंकि उसमें बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो गठबंधन, आम आदमी पार्टी भी लड़ती है, ऐसे में प्रदेश में कोशिश क्या होगी आपकी उपस्थिति दर्ज करवाने की? जब देश की जंगे आजादी लड़ी गई, मुट्ठी भर लोग थे, 35 करोड़ जनता थी, 12 करोड़ पाकिस्तान में चले गए, 23 करोड़ हिंदुस्तान में रह गए थे। आजादी से पहले मुट्ठी भर लोग अंग्रेजों के तोपखानों से अगर यही सवाल करते लोगों से कि भाई उनके पास तोपखाने हैं, मैं कैसे लड़ूंगा, हम कैसे देश को आजाद कराएंगे, तो ये देश आजाद ना होता। हर बार जब भी शक्तियों का दुरुपयोग हुआ, कोई ना कोई जनता के अंदर इस बात का मैसेज देने के लिए कोई मैसेंजर के तौर पर आदमी काम करता है। वो जो 35-40 लोग जिनको आप टिप्स पे गिन सकते हैं, 35 करोड़ जनता में नेतृत्व करने वाले सिर्फ 30-35 लोग थे, यानी करोड़ों में कोई एक व्यक्ति जो देश के लोगों को जागृत कर रहे थे। जब सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का आज तक ये पता नहीं लगा कि वो जिंदा हैं या खत्म हो गए। मुझे ये कहते हुए गुरेज नहीं है कि ऊधम सिंह कंबोज ने जनरल डायर के घर में घुस करके जब गोली मारी, उसको पार्लियामेंट में गोली मारी, तो 2 साल उससे पहले उसके घर में रोटियां सेकता रहा, मार वहां भी सकता था। मैसेज देने के लिए जीवन और मरण से अलग हट करके आदमी को जीना पड़ता है। लोग रोज जानलेवा हमलावर है। आप ये बात सोचें कि मैं कोई राजनीतिक कार्ड के लिए नहीं, मैं जनता को इंसाफ देने का दिलवाने का प्रयास कर रहा हूं, और इंसाफ मांगे नहीं जाते, इंसाफ लिए जाते हैं। तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? हो सकता है मैं दोनों लड़ूं, हो सकता है मैं एक भी ना लड़ूं, ये भविष्य के गर्भ में है। नहीं भाई, जिस जनता ने आपको चुन के भेजा, जो जिस जगह के आप प्रतिनिधि हैं, वहां की जनता कुछ तो सोचती होगी, तो अभी चीजें स्पष्ट नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को लड़वाना है, मैं अपनी राजनीति का विषय अपने पास रखता हूं, जो मुझे उचित लगेगा कि मैं जनता को कैसे इंसाफ दिलाऊं, वो रास्ता मैं खुद चुनूंगा, उसका खुलासा मैं अभी करने की जरूरत नहीं समझता। ठीक है, दिल्ली आएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, अभी साफ नहीं है या बताना नहीं चाह रहे? दिल्ली तो जाना नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ के लिए लड़ेंगे और लड़वाएंगे। एक सवाल आपसे कि अभी कुछ वक्त पहले कांग्रेस ने यह कहा है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम प्रदेश में वापस आ रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? कांग्रेस प्रदेश में वापस तो आ रही है, लेकिन जमानतें जब्त करा करके। ये जो लोग हैं, इन सब लोगों को 12 बार भुगत लिया जनता ने, अब तो ये एक बहुत बड़े लुटेरों का ग्रोह बन के कांग्रेस आगे चल रही है। जो लोग अपने घर के अंदर लठम लठा हो रहे, जनता जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सैनी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए, आपका वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी, आपने सुना अपने अंदाज में वो तमाम बातें रख रहे थे। 2 महीने में नई पार्टी के गठन के ऐलान उन्होंने करने की बात की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।